Welcome to everyone. Today we will discuss about loss, profit and discount. इससे पहले हमने फाइनेंशियल अरिथमेटिक पढ़ी थी, उसके अंदर हमने परसेंटेज, उसके कॉन्सेप्ट, उसको हमने डेसिमल, रेशियो और फ्रैक्शन के अंदर किया था. आज हमने लॉस, प्रॉफिट और डिस्काउंट के फार्मूले के साथ साथ उनकी परसेंटेज करनी है. सबसे पहले इनको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और डिस्काउंट में आपस में फ़र्क क्या है. तो लॉस क्या है, जब भी हम एक कारोबार शुरू करते हैं हमें पता है हमने इन्वेस्ट करनी है, जितना हमने उसको इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से अगर हमें कम पैसे मिलेंगे, हमें कम प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब है वो हमें लॉस हुआ है. लेकिन अगर जितना हमने कारोबार पर पैसा लगाया है लेकिन उसकी निस्बत हमें उससे ज़्यादा हासिल हुआ है तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट. और डिस्काउंट ऐसा ये है कि अगर हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो एक पेन दे रहा है 50 का, तो हम उसे कहते हैं कि इसमें कुछ रियायत करें या कुछ थोड़ी कमी पेशी करें, तो वो उसके अंदर कहता है कि मैं आपको इस पर 10% जो है वो डिस्काउंट देता हूँ. तो जो 10% जो हमें डिस्काउंट के बाद जो हमें उसे पैसे जो है वो अदा करने होंगे, जितना 50 है उसका अगर हम 10% लेंगे तो उसके जितने पैसे हमें हम देंगे तो वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट है. तो लॉस के लिए हमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी एक्चुअल प्राइस होती है, जो हमारी सबसे पहली प्राइस होगी उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. अगर वो सेल प्राइस जिस कीमत में हमने ख़रीदी है, और सेल प्राइस कहते हैं जिसमें हमने बेची है, यानी ख़रीदने वाली चीज़ से बेचने वाली चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, वो हमें लॉस का होगा. अगर सेल प्राइस यानी हमने एक चीज़ जो है वो 50 की ली है लेकिन हमने उसको 80 की बेच दी है, तो 50 और 80 में जो 30 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट. और डिस्काउंट क्या है, जो हमारी मार्क प्राइस हमेशा हमारी वही कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल प्राइस ही होती है, उसको अगर हमने सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे उसको हमारा डिस्काउंट निकल आएगा. अब यहाँ ब्रीफली जो है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, लॉस, प्रॉफिट, इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. अब कॉस्ट प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर क्या होता है, आफ्टर पेइंग एनी प्राइस विच इज़ कॉल कॉस्ट प्राइस, यानी उस जिस चीज़ में हम उसको बेचते हैं, पे करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. और फिर जब वो हमारी शॉप के पास पहुँच जाती है तो सेलर क्या होते हैं, उसको बेचते हैं कस्टमर को एट एनी प्राइस इज़ कॉल्ड सेल प्राइस, यानी पहले वो लोग फैक्ट्री से लेके आए हैं, उधर जो उसने पैसे दिए हैं वो होंगे उनकी कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब आके वो हमें बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, तो जो वो वाली प्राइस होगी वो उनकी होगी सेल प्राइस. अब लॉस क्या है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस इज़ कॉल्ड लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ज़्यादा होगी तो लॉस है, और जब सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, यानी सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगी तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट. अब परसेंटेज करने के लिए क्या है, उसका सिंपल यही, अगर लॉस परसेंटेज है तो हम पहले लॉस की जो वैल्यू निकलेगी वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमारी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस होगी उसको उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100. इसी तरह प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्चुअल प्राइस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100. अब डिस्काउंट का क्या है, डेफिनेशन है कि डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेल प्राइस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, यानी जो उसकी मार्क प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस जो भी है उसको हम सेल प्राइस से माइनस कर देंगे वो हमारा निकालेगा.